यस, वेलकम 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 एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? जल्दी से आइए। ऑनलाइन लाइव लाइव जल्दी से आओ। हेलो 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 एवरीवन। यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जल्दी आइए। ओके, सब चंगा, सबका बढ़िया चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस सर, जरूर स्टार्ट कीजिए। तो लास्ट क्लास हम लोग ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुके हैं मैराथन के ऊपर। लास्ट क्लास मतलब सर मैराथन, जब हमने पिछली बार लिया था, जब हमने पिछली बार मैराथन लिया, हमने ऑलरेडी एफएम के ऊपर काफी बातचीत किए। बट आज पर्पस ये था एफएम का मैराथन रखने का, ग्रुप टू का एफएम का मैराथन रखने का, सीएमए एक्सक्लूसिव का। बिकॉज इस बार का जो एफएम का पेपर आया, कॉस्ट का पेपर आया ग्रुप टू का, और जो ग्रुप टू में सम्स के लेवल्स पूछे गए वो बहुत ही टॉप नॉच थे। दूसरा एमटीबी में भी जो सवाल आया वो भी बहुत अच्छा अच्छा था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि ऑल दो मेरा कॉस्ट और एफएम का दोनों का ही मैराथन करवाया हुआ था लास्ट टाइम, ऑलरेडी मैराथन करवाया हुआ था, फिर भी मैं एफएम का पार्ट को वापस से मैराथन के तौर पे करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर पोर्शन अगेन कवर करेगा और आपका मार्क्स बहुत इनहेंस होगा इससे, ये गारंटी है। आप अगर ये सेशन करोगे तो आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला था वो और स्मूथली होगा और मेरे ख्याल से राइट ही होगा। तो आराम से आप इस सेशंस को फॉलो कर सकते हो। हम ये पूरे सेशंस में आपको एफएम करवाएंगे और फिर ओएम भी करवाएंगे। तो एफएम और ओएम के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे चीजें हम कवर करने वाले हैं रिवीजन के साथ। अभी मैं आपको बता दूं मेरा सीक्वेंस क्या होगा हर मैराथन का। हमने आज कवर करना है 3 चैप्टर, बट मेरा जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन। उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किस टाइप के स्पेशल एडजस्टमेंट, जितने भी स्पेशल स्पेशल एडजस्टमेंट या बातें होंगे, पॉइंट्स होंगे, उसको कवर करेंगे। फिर हम तीसरा आपका कवरेज करेंगे सम्स का, जो कि है आपका सबसे पहले एमटीपी जो आया है जून या बोल लो जुलाई एग्जाम्स के लिए, जुलाई 2023 के लिए जो एमटीपी आया है वो प्रैक्टिस करेंगे। उसका अभी तक एक ही सेट आया है तो हम जरूर से जरूर ये सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम इवन पास्ट ईयर पेपर में जो जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ उसका पेपर डिस्कशन करेंगे, पेपर नंबर 10। ये मेरा पहला मोटो रहेगा आपका सम सॉल्व करवाने का। इसके बाद अगर मेरे को कुछ और करना पड़ा तो जो पुराने मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनके डिस्कशन करेंगे। वैसे मेरा मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी जनवरी 2023 का जो एग्जाम का आया था वो दोनों प्रैक्टिस मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस मैराथन में कर दिया। तो मेरे को ये दो नए टॉपिक को कवर करना था, क्योंकि ये दोनों हाहाकार मचा के रखे हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो मेरे को ये दो चीज कवर करना।
ऐसे ही हम ओएम का भी काफी चीजें कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सर ये है मेरा फ्लो ऑफ मैराथन। आज हम चालू करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर से। कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे एक नया कॉपी बनाएंगे और कॉपी में हेडिंग देंगे। रिवीजन कॉपी आपका अगर कोई रिवीजन कॉपी चल रहा था तो उसी में कंटिन्यू करेंगे, हेडिंग देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या सब ज्वाइन कर चुके हैं? यस हाँ, दिसंबर 23 मतलब 22 मतलब आपका जो जनवरी 23 में एग्जाम हुआ उनके लिए। यस ओके आई थिंक अब ठीक है। ओके थैंक यू। ऑनलाइन लाइव स्टार्ट करें? जय श्री राम। चलो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ बच्चा लो, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और तो और हमें किस टाइप के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए। प्लीज सुनिएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा आप सब जानते हैं, इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ कैपिटल। बेसिकली देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ कैपिटल, एक डिबेंचर्स लोन बॉन्ड जिसको हम डेट के नाम से बोलते, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक इक्विटी। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स As we all know, one is equity share capital and one is retained earnings. क्योंकि ये दोनों पैसे कंपनी के मालिकों का ही है। डेट का जो कॉस्ट है उसको हम KDE बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस का जो कॉस्ट है उसको हम KP बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो कॉस्ट है उसको हम KE बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और रिटेन अर्निंग्स के कॉस्ट को हम KR बुलाते हैं। इन चारों का अगर हम वेटेड एवरेज करें तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलता। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात इनको कैलकुलेट करने के साथ साथ ये है कि भैया हम जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम्स करेंगे और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने आए तो हम नंबर वन बनाएंगे टेबल। यानी ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये टेबल का सीक्वेंस समझ गया और कारण समझ गया, काम खत्म। टेबल में सबसे पहले हम सोर्सेज लिखेंगे कि वो कैपिटल कहां कहां से आया, डेट से आया, प्रेफरेंस शेयर से आया, कि इक्विटी शेयर कैपिटल से आया, कि रिटेन अर्निंग से आया। और बगल में लिखेंगे उनका वैल्यू, जो भी उनका रूपी फिगर है। अब ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो वैल्यू है ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन सम्स कैसा। अगर सम्स में बुक वैल्यूज दिए हुए हैं तो बुक वैल्यू से ही करना चाहिए, मार्केट वैल्यू दिए हुए हैं तो मार्केट वैल्यू से ही करना चाहिए। और अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम बुक वैल्यू लेते। और अगर सवाल खुद बोल दे कि बुक लेना है कि मार्केट लेना है तो ओके, नहीं बोले तो हम अपना अजम्पशन लिख के आते हैं जहां हम मार्केट वैल्यू को प्रेफर करते हैं। अब जब आप मार्केट वैल्यू का वैल्यू निकालोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आप टोटल वैल्यू लिखोगे डेट प्रेफरेंस इक्विटी रिटेन्स का, आप तुरंत के तुरंत बगल में उसका वेट्स निकालोगे। वेट्स कैसे निकालते हैं सर? यहां जो टोटल वैल्यू आया वो वन होगा। वेट्स मतलब उनका जो वैल्यू है एज कंपेयर टू वन, टोटल के हिसाब से ये वेट्स जो आपको निकालना है। सपोज डेट का 10 लाख था
और टोटल मान लो आपका 50 लाख था, तो 10 डिवाइडेड बाई 50 यानी 0.2 आपको वेट लिखना है। ऐसे करते करते आपको सबका वेट डालना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बुक वैल्यू के केस में तो ये सब फिगर आप बैलेंस शीट या कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से उतार के लिख दोगे, बट व्हाट अबाउट सर मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू देगा तो हम इक्विटी और रिजर्व्स का क्या करते हैं? इक्विटी और रिजर्व्स में आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी उसका मार्केट वैल्यू है इक्विटी का, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स हैं और उनका आज के दिन का मार्केट वैल्यू 40 हो गया, तो वो हो गया 4 लाख। आप इस 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के वैल्यू को, आज के मार्केट वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को दो पार्ट में सेग्रीगेट करोगे कि इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना और रिटेन अर्निंग्स कितना। सर ये कैसे करते हैं? ये काम करने के लिए आपको बुक वैल्यूज के रेशियोज लेने होंगे। मान लो बुक में इक्विटी शेयर कैपिटल चल रहा था 10,000 शेयर 10 रुपया करके यानी 1 लाख, और रिटेन अर्निंग्स में आपका पड़ा था या रिजर्व एंड सरप्लस में आपका पड़ा था टोटल में मान लो 1.5 लाख। तो ये जो 1 लाख और 1.5 लाख है, अब आप ये 4 लाख को मार्केट वैल्यू को इस 1:1.5 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। जब आप ये काम करोगे तो आपको इक्विटी का पोर्शन और रिटेन अर्निंग का पोर्शन अलग अलग मिल जाएगा। यानी अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप दोनों को तोड़ दे। कैसे तोड़ेंगे सर? हम उस मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के रेशियो में, किसके बुक वैल्यू के रेशियो में सर? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। सर अगर हम ना तोड़े तो आप दोनों को मिला के दिखाओ, दोनों को मिला के दिखाओ कि इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल वैल्यू और वेट्स भी मिला के। बट ये काम आप तभी कर सकते हैं यदि केई और केआर सेम, यदि केई और केआर सेम है, और 90% चांस है आपके सिलेबस में या सम्स में जो आते हैं उसमें सेम रहता है। सिर्फ दो केस ऐसे हैं जब अलग होता है और उसके सम्स आने के चांस कम, तो उस केस में आप मिला के साथ में लिख सकते हो तो कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं होगा, और अगर आप सेग्रीगेट करते हो तो भी आप राइट हो। सेग्रीगेट करना हर बार प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि जिस दिन आपका कॉस्ट अलग अलग होगा आपको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। तो आई ऑलवेज एडवाइस कि सेग्रीगेट ही करो, नहीं भी करते हो तो चलेगा अगर कॉस्ट सेम है। अगर कॉस्ट सेम है, अब वेट आ गया तो बगल में हम लिखेंगे इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम परसेंटेज पर एनम बेसिस पे निकालना सीखेंगे नीचे। जैसे ही वो हम लिख देंगे चारों का, हम यहां निकालेंगे WACC, जहां हम अगर ये कॉलम ए वेट है और ये कॉलम बी कॉस्ट है तो हम ए इंटू बी करके वेटेड को टोटल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है वेटेड एवरेज निकालने का तरीका डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज क्या है। मेन बात था ये वैल्यूज वाला, क्या आप इस बात को नोट करोगे वैल्यूज वाला बात को? जरूर सर। क्या रिकॉल हो रहा है आपको थोड़ा बहुत जो बातें मैं बोल रहा हूं? अब सर मजेदार बात, ये कैसे निकलेगा, ये कॉस्ट कैसे निकलते हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले केडी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, इंटरेस्ट अमाउंट ब्रैकेट में 1 - टैक्स रेट, याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन प्रोसीड्स माइनस इशू प्रोसीड्स बाय नंबर ऑफ इयर्स। जो भी वो गैप है, जो इशू करते वक्त हमने पैसा प्रोक्योर किया और पेमेंट करते वक्त मैच्योरिटी में जो पे किया उसका जो गैप है उसको अमोर्टाइज करना है एन साल में, होल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीट्स या प्रोसीड्स, जिसको बोलते हैं आरपी प्लस आईपी बाय 2 × 100। ये जो फॉर्मूला है ये रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस के लिए। अगर यही डिबेंचर्स इररिडीमेबल हो जाएंगे तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट अब जीरो बन जाएगा और एवरेज करने का दरकार नहीं है क्योंकि आरपी ही हमें नहीं पता, हमें रिडेम्पशन प्रोसीड्स के बारे में आइडिया ही नहीं है क्योंकि देर इज नो मैच्योरिटी, इररिडीमेबल है। अगर इररिडीमेबल है तो हम लेते हैं इंटरेस्ट अमाउंट 1 - टैक्स रेट बाय आईपी इनटू 100। अब कुछ मजेदार बात, ये इंटरेस्ट अमाउंट निकलता कैसे? इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए हम जो भी फेस वैल्यू होगा इनटू इंटरेस्ट रेट, या एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट यूज करते हैं, कई सवाल में आपको कूपन रेट देखने भी मिलेगा, एक ही बात है इंटरेस्ट का दूसरा नाम। इसके बाद हमें आईपी, बहुत इंटरेस्टिंगली सोचना है,
इशू प्रोसीड्स सवाल में जो होता है वो जनरली जब इशू करते हैं उस समय का रेट, यानी अगर न्यू डिबेंचर इशू हो रहा है, न्यू डिबेंचर इशू हो रहा है तो इशू प्रोसीड्स करेंट मार्केट प्राइस लेंगे, बट अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो हम उसका इंटरेस्ट आईपी उसका केस में बुक वैल्यू लेंगे, या फिर सम्स अगर बोल दे जैसा। यानी ध्यान रखना, अगर आईपी में सम्स दिया हुआ है, इशू करते वक्त प्राइस कितना था तो वो ले लेंगे, नहीं दिया तो सर क्या लेना चाहिए, बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू, वो डिपेंड करता है क्या इक्विटी या डिबेंचर या प्रेफरेंस आज इशू हो रहे हैं कि पहले से इशूड है। अगर पहले से इशूड है तो बुक वैल्यू यानी वो जो फेस वैल्यू था वो मान लेंगे, और अगर आज इशू हुए हैं तो करंट मार्केट प्राइस ही आईपी लेना। ये बात बहुत लोग गलती करते हैं एग्जाम में, क्या क्लियर है आईपी को लेके सारी बातें। अब ये जो आईपी है इसके साथ एक और अनोखा बात आता है कि कई बार इशू करते वक्त कुछ ऐसे इशूइंग कॉस्ट है जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज, कुछ लीगल चार्जेस, कमीशंस, ये सब जो लग जाते हैं हमारे, इनको हमें नेट कर देना है आईपी निकालते वक्त। यानी हम निकालते हैं नेट आईपी, नेट आईपी इशू प्रोसीड निकालने के लिए हम इशू प्रोसीड से माइनस कर देते हैं जो भी हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट हम हटा देते हैं, और जैसे ही ये फ्लोटेशन कॉस्ट हम हटाएंगे हमें नेट आईपी मिल जाएगा। नेट आईपी यूज करेंगे हम आईपी की जगह हर फॉर्मूला में ऊपर। डन है सबको बात? तो कब क्या अज्यूम करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरपी अगर सम्स में गिवन है तो वो या तो प्रीमियम या डिस्काउंट या पार, नहीं है तो एट पार यानी फेस वैल्यू ही मानते हैं। फाइन सर, इतना करने के बाद हमें टैक्स रेट सम्स में दिया हुआ रहेगा जो कि टी रिप्रेजेंट करता है, और ईयर्स भी दिया हुआ रहेगा। अगर ईयर्स का सम्स है तो मतलब रिडीमेबल है, अगर नहीं है तो इररिडीमेबल है। इतना करने के बाद हमारा केडी आ जाएगा। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन मेथड से सम्स करना। दूसरा एक मेथड होता है सम्स को करना यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं आईआरआर मेथड या वाईटीएम मेथड, आईआरआर मेथड या वाईटीएम मेथड, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट मेथड। और उस तरीके से हम लिखते हैं जो भी आज का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है डिबेंचर्स का, उसको इक्वेट कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर, ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोस से एट द रेट केडी। मतलब सर कैसे करते हैं सवाल को, इस केस में हम करते हैं, मान लो आज के दिन डिबेंचर का दाम 98 चल रहा है, तो हर एक इंटरेस्ट जो था मान लो 10% करके तो 10 रुपया एवरी ईयर था, बट इसमें 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब क्या सर इंटरेस्ट अमाउंट, मैं अगर प्रॉपरली लिखूं तो फॉर्मूला वाइज इंटरेस्ट अमाउंट, और इस तरफ चल रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 1 माइनस टैक्स रेट। इसको हम इंटू करते हैं एनुइटी फैक्टर से जो भी रेट चल रहा है जितने भी साल के लिए, और प्लस करते हैं वो जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसको डीएफ से। सर याद है आपको डीएफ डिस्काउंटिंग फैक्टर और एएफ मतलब एनुइटी फैक्टर, इसमें जो एन है वो साल दिया हुआ रहेगा सवाल में, टैक्स रेट इंटरेस्ट और आरपी दिया हुआ रहेगा, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा, केडी निकालना पड़ता है, और उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और केडी निकालते वक्त हम फिर आईआरआर मेथड जैसे करते थे ना कैपिटल बजटिंग में जो मैं समझाऊंगा, उस तरीके से अपने यहाँ केडी निकालते हैं। बट ये वाईटीएम और आईआरआर मेथड आना आपके सिलेबस के लिए बहुत बहुत कम चांस है, और ना ये इंपॉर्टेंट था, तो वी नेवर डिस्कस टू मच अबाउट इट, वी जस्ट डिड वन सम्स और हमने उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालना सीखा था। अब यहां हमें ट्रायल एंड एरर करके लेट के डी इज इक्वल्स टू समथिंग लेके सम्स करना पड़ता है, जैसे हम आईआरआर मेथड करते हैं कैपिटल बजटिंग में। सिंस अभी रिविजन टाइम चल रहा है तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको कुछ कुछ बातें तो पुरानी याद है ही, मतलब अगर मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो आप सुना सुना नहीं, सुना सुना महसूस कर रहे हो कि भाई सुना हुआ है सब बात। करेक्ट सर, तो इस तरीके से केडी निकलता है, बट आने का चांस नेग्लिजिबल या ना ही है। यानी केडी निकालेंगे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही, वाईटीएम या आईआर मेथड हम यूज नहीं करेंगे। फाइन सर, ये होने के बाद हमने केपी निकालना सीखा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत आसान है, सेम एज इंटरेस्ट ही,
तो उस वजह से अगर ये रिडीमेबल है तो फॉर्मूला बन जाता है अब इंटरेस्ट अमाउंट की जगह डिविडेंड अमाउंट, एंड एज वी ऑल नो डिविडेंड इज ऑलरेडी अ पोस्ट टैक्स कॉस्ट, यानी इसमें वापस टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसमें हम वन माइनस टैक्स नहीं लेते, प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई टू इंटू 100%। जैसे हम ये काम करेंगे हमारा के पी आ जाएगा रिडीमेबल का, और अगर इररिडीमेबल है तो हमारा ऊपर सिर्फ डिविडेंड अमाउंट और नीचे सिर्फ आईपी इंटू 100%। बस याद रखिएगा कॉरपोरेट टैक्स रेट यहां कोई काम का नहीं है, यानी वन माइनस टैक्स रेट अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा, प्रेफरेंस में वन माइनस टैक्स रेट नहीं होता क्योंकि उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सेम आईपी अगर जैसे अजम्पशन ऊपर लिखे थे वही यहां पे है, यानी हमें नेट करना होगा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, कब क्या अज्यूम करना वो बात ध्यान रखना है, और सेम लॉजिक से हम YTM मेथड भी कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इफ सम्स में कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स दे दे, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट अब गायब हो चुका है कंपनीज एक्ट में, बट इंस्टीट्यूट कई बार इस टाइप के सवाल पूछ लेता है FM में, जो कि अभी के लिए इलॉजिकल है, बट फिर भी अगर सवाल में है आपका कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स एक अलग बात होता है और कॉरपोरेट टैक्स अलग बात होता है। कॉरपोरेट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जो कि हम इंटरेस्ट पे बचाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं बचाते, इक्विटी पे नहीं बचाते। बट ये कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है सर, ये कंपनियां कई बार अपने डिविडेंड्स के साथ गवर्नमेंट को भी डिविडेंड पास करती है, यानी कुछ टैक्स के रूप में एक पोर्शन ऑफ डिविडेंड अलग से पे करती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अलग से पे करती है। ये जब शेयर होल्डर को पैसे देते हैं उसके साथ साथ ये अपना कुछ पैसा गवर्नमेंट को भी देते हैं, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो अगर सम्स में कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है, जो कि अगेन होना मुश्किल है, बट मैं आपको आज रिवीजन कराते वक्त सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं, तो एक बार बता रहा हूं, अगर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स इज देयर देन डिविडेंड अमाउंट जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा सर, डिविडेंड अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा जो हमें देना है, साथ ही साथ जो हमें हर साल कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है वो भी हम ऐड कर देंगे। और सर ये कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स अगर परसेंटेज में दिया है तो हम इस कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स को निकालते हैं डिविडेंड अमाउंट पे, क्योंकि ये डिविडेंड अमाउंट पे लगता है, डिविडेंड अमाउंट पे हम कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स का परसेंटेज इनटू कर देंगे। ये अमाउंट था और ये रेट, तो अगर हम कॉमन ले डिविडेंड अमाउंट को तो फॉर्मूला कम्स एज डिविडेंड अमाउंट इनटू 1 प्लस सीडीटी इन परसेंटेज, यानी अगर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है तो वो ऐड हो जाएगा डिविडेंड अमाउंट पे, एक्स्ट्रा अमाउंट और जो पे करना पड़ता है। आज के दिन ये कंसेप्ट लुप्त हो चुका है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट अगर कभी समझ पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। और वो कॉरपोरेट टैक्स नहीं है, वो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है, दोनों में डिफरेंस है। क्या क्लियर है, केपी तक सबको बताएंगे, एक बार थम्स अप दे देंगे केडी केपी रिविजन हो गया तो। और ये सब बात आप बात करते करते सुनते सुनते लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया, बोलिए एक बार एवरीबॉडी। क्लियर, फाइन 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 फाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो डन। ये हो गया हमारा केपी के ऊपर बात। अब लास्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज केई। केई निकालना यानी इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न निकालना सबसे डिफिकल्ट बात है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कारण कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके लिए क्या खर्चा सर, उनके लिए वही खर्चा है जो वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते, और ये निकालने के कई तरीके हैं, और वो तरीका दो बताया गया है। केई निकालने का दो तरीका बताया गया है, एक बाई मायरॉन गॉर्डन और एक बाई विलियम शार्प। सबसे पहले हम बात करेंगे मायरॉन गॉर्डन जी का।
मायरन गॉर्डन जी ने केई निकालने के चार तरीके बता दिए। बाप रे बाप, कितने तरीके सर? चार तरीके बेस्ड ऑन वेरियस थीम्स। पहला उनका थीम था कि अगर डिविडेंट मॉडल अप्लाई करे, जहां पे डिविडेंट इज कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंट अप्रोच। अगला अप्रोच आया उनका कांस्टेंट अर्निंग अप्रोच। फिर आया उनका तरीका कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच, जिसको हम प्रचलित रूप में गॉर्डन अप्रोच भी बोलते हैं, जो कि सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट तरीका है सम्स करने का। और लास्ट आया कांस्टेंट ग्रोथ अर्निंग अप्रोच। नाम से समझ में आ रहा होगा, एक बार डिविडेंड का किए तो एक बार अर्निंग का किए। जब हम कांस्टेंट डिविडेंड अप्रोच अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं केई इज द प्रेजेंट वैल्यू अगेन वही ऑफ ऑल इनफ्लोस, और सिंस ये एक परपेचुटी है, आजीवन इंटरेस्ट मिलता है यानी डिविडेंड मिलता है, तो फॉर्मूला इज डिविडेंट डिवाइडेड बाई पी जीरो करेंट मार्केट प्राइस, डिविडेंट डिवाइडेड बाई पी जीरो। अब जो ये डिविडेंट है कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने डी लिखा है, यानी डीपीएस बाई एमपीएस फॉर्मूला। तो अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो केई का मतलब हो गया ईपीएस बाई एमपीएस, क्योंकि यहां हम अर्निंग्स को कांस्टेंट मान रहे हैं और यहां हम डिविडेंड को कांस्टेंट मान रहे हैं। अब जो सबसे प्रचलित फॉर्मूला है वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जिसको हमने प्रूफ किया था क्लास में, केई इज इक्वल्स टू डी वन। डी वन मतलब फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, ध्यान रखिएगा आने वाले साल का डिविडेंड, कमिंग ईयर का डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई पी जीरो आज का प्राइस प्लस ग्रोथ रेट इनटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्रोथ रेट अगर तुम बोलो 7% है तो उसको आप 0.07 लिखते हो, क्योंकि वापस आप इनटू 100 कर ही रहे हो। और लास्ट अर्निंग में ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा होगा डी वन रिप्लेस हो जाएगा ईपीएस वन से, जो कि एकदम इलॉजिकल अप्रोच है, द मोस्ट इलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि ग्रोथ में भी हम रिटेन अर्निंग लेते हैं और ईपीएस में भी, तो ये अप्रोच सबसे गंदा अप्रोच है, कभी यूज नहीं करते, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है डी वन बाई पी जीरो प्लस जी। आइए पहले अब इस बातों को कंटिन्यू करते हैं। यहां डी वन इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड पे करना है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड टू बी पेड, आने वाले साल का डिविडेंड वगैरह वगैरह। बट अगर सवाल में डी जीरो दिया है, विच मीन्स डिविडेंड पेड दिया है, डिविडेंड ऑलरेडी पेड दिया है, डिविडेंड लास्ट ईयर दिया है, डिविडेंड करंट बोलते हैं, तो अगर ये सब कुछ वर्ड यूज किए गए हैं तो हम इसको डी जीरो बोलते हैं। अगर ये डी जीरो है और ये डी वन है तो डी जीरो से डी वन कैसे निकलता है? डी वन मतलब आने वाले साल का डिविडेंड, और उसके लिए हम डी जीरो पे ग्रोथ एड कर देते कैलकुलेटर वाइज। अगर डी जीरो पता है तो प्लस ग्रोथ का परसेंटेज, जैसे मैंने बोला अगर 7% है तो प्लस 7%, बट लिखने वाइज अपने लिखते हैं इंटू 1 प्लस जी, यानी 1.07, आप जानते हैं सब बात। तो इस तरीके से हम डी वन निकालते। एक डिबेटेबल इशू था कि पेज वर्ड कहाँ जाएगा, अगर डिविडेंड पेज वर्ड लिखा गया है तो इंस्टीट्यूट उसको डी वन अज्यूम करके करता है, तो आप भी वो कर लेना। अगर आप डी जीरो करके भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख देना अपना अजम्पशन, बेटर है जब पता चल गया पेज वर्ड होगा डिविडेंड पेज द डिविडेंड ऑफ, तो आप डी वन मान के चलना, ठीक है सर। इतना करने के बाद पी जीरो इज नथिंग बट करेंट मार्केट प्राइस, यार पी जीरो इज नथिंग बट करेंट मार्केट प्राइस, जो भी अगर हमें पता होगा आज का मार्केट प्राइस वो सम्स में दिया हुआ होगा और उसको पुट करना। Whereas growth, G is growth rate. Growth rate निकलता है B into R से। B मतलब सर retention ratio. B मतलब retention ratio. जैसे कुछ dividend pay होता है तो उसको dividend payout ratio बोलते हैं, तो जो बच जाता है उसको retention ratio बोलते हैं। मान लो dividend payout ratio is 40%, तो retention ratio जो बच गया पैसा is obviously 60%, यानी हम अपने अर्निंग्स का अगर 40% डिविडेंड के तौर पे करते हैं तो 60% जो रख लेते हैं उसको रिटेन
अर्निंग्स बोलते हैं या रिटेंशन रेशियो बोलते हैं, और आर मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि दोनों सम्स में दिया हुआ होगा, हमें इनटू करके ग्रोथ रेट निकालना पड़ सकता है। या फिर कई सम्स में ग्रोथ रेट CAGR कंसेप्ट यूज करके निकलता है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जहां आपको सम्स में कुछ इस तरीके की बातें दिखेंगी। ईयर बाई ईयर आपको कुछ डिविडेंड्स दे देंगे, आपको कुछ डिविडेंड्स दे देंगे, मान लो पहला वाला 10.5, 11.2, 12.6, 14.3, 15.7 और लास्ट वाला दे दिया 18.03, ऐसे करके कुछ भी दे दिया, तो आपको बोलेगा बताओ आने वाले साल का डिविडेंड क्या। तो आप ये ट्रेंड देखोगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो जो भी ये 6 डिविडेंड मैंने दिए, अगर मेरे को अगले साल का और डिविडेंड निकालना है तो हमको मालूम होगा आने वाले साल के डिविडेंड निकालने के लिए हमको ग्रोथ रेट जरूरी है, और ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम ये ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड इंक्रीजिंग है, बट एक कॉमन ट्रेंड नहीं मिल रहा है कि सब एक गिवन परसेंट से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तब हम फर्स्ट फिगर और लास्ट फिगर लेंगे और गैप देखेंगे इनके बीच में कितना है। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर से 6 ईयर इज 5 ईयर्स का गैप, 1, 2, 3, 4, 5, यानी अल्टीमेटली ये 10.5 जो आज से 5 साल पहले या जब का भी वैल्यू है, 1th ईयर का वैल्यू है, वो 5 साल से ग्रो होके 1+g^5, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+i^n, वही इज इक्वल्स टू 18.03। 5 क्यों आया सर? 6 था, अरे गैप 5 है 1 से 6। तो इस तरीके से आप जी निकाल सकते हो डिवाइड करके, और 1/5 इज अ डर्टी पावर, जिसको आपको मालूम है 12 बार स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 1/5 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार करना, ये करते ही आपका इधर का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद 1+g से g निकल जाएगा। तो इस तरीके के सम्स भी कई बार पूछता है, अगर ऐसे नहीं देगा तो ग्रोथ रेट एक ट्रेंड यूज करके कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के फॉर्मूला से करना होगा, जिसको हम CAGR कंसेप्ट बोलते हैं, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ होगा, मेरा ही पढ़ाया हुआ होगा। डन है आपको बात? ये जो D1 आया, P0 आया और G आया, इसके बाद हम कोई भी सम्स कर सकते हैं। बट ये विलियम शार्प जी कुछ अलग ही बात बोले, ये बोले इन्वेस्टर्स ना बहुत रैशनल होते हैं और उनको अपना रिटर्न निकालना आता है, वो अपना रिटर्न मार्केट के रिटर्न के हिसाब से अपना कंपनी का रिस्क सोच के कर लेते हैं। क्या सोचते हैं सुनना, विलियम शार्प जी बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल, और उस वजह से कंपनी में जो दो तरीके के रिस्क होते हैं, क्या क्या दो तरीके के रिस्क सर? एक रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और एक रिस्क को हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क, जैसे कि कंपनी के सिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं सर, कि कंपनी जब इफेक्ट होती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, जो जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे कोविड आ गया सर, अब इसके कारण मार्केट में मंदी आना है सर, गिरना है, और सर GST लागू हो गया सर, यानी कोई इकोनॉमिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर, पॉलिसी फैक्टर अगर आ जाए, कुछ क्लाइमेटिक चेंज आ जाए, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, उसके कारण जो इफेक्ट आता है उसके कारण पूरे इकोनॉमी को फर्क पड़ता है और हर एक कंपनी इफेक्ट होती है। तो ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये अनअवॉइडेबल इन नेचर होता है और इसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस इधर उधर जाता है। तो इस रिस्क से कंपनी को इन्वेस्टर को अपना रिटर्न ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये रिस्क अनअवॉइडेबल इन नेचर। बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो एक इन्वेस्टर एलिमिनेट कर सकता है। कैसे सर? यानी अवॉइड कर सकता है सर। कैसे अवॉइड कर सकता है सर, और ये होता क्या है सर? अनसिस्टमैटिक का मतलब होता है सर वो सब रिस्क जो सिर्फ कंपनी के लिए होता है, जैसे कि रिलायंस कंपनी के चेयरमैन MD जो है सपोज मुकेश अंबानी जी, वो अभी 4 दिन से बीमार है और वो कंपनी नहीं आ रहे, उस वजह से कंपनी में प्रॉपरली देखा नहीं जा रहा है क्या काम हो रहा है। मान लो मैनेजमेंट टीम के जो टॉप लीडर्स थे वो छोड़ के चले गए, मान लो लेबर स्ट्राइक पे है, मान लो अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गया है, तो इसके कारण जो एक कंपनी इफेक्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है सारी कंपनियां इफेक्ट हो रही हैं। और अगर आप सिर्फ रिलायंस में पैसा लगाओगे तब आपको प्रॉब्लम है, बट अगर आप बहुत सारे कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो एक कंपनी के प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं।
तो एक कंपनी का प्रॉब्लम से तब डरना नहीं है जब आप बहुत सारे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, यानी आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे हो। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब बहुत सारे शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क प्रिवेल करता है। तो अब आपको सिस्टमैटिक रिस्क के कारण अपना रिटर्न चाहिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले के ई निकला आरएफ। आरएफ मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, उसमें मिलता है। बट सिंस हम शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो हमको आरएफ से ज्यादा चाहिए। के ई इज आरएफ से ज्यादा। कितना ज्यादा सर? बोल रहा है मार्केट में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। मार्केट मतलब सर शेयर मार्केट में रिटर्न, आरएफ मतलब शेयर मार्केट का रिटर्न में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आरएफ से। ये कैसे निकलते हैं सर? ये जो होता है ना आरएफ, ये मार्केट का रिटर्न है, यानी वो जो सेंसेक्स देखते हैं ना, बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी, उसमें जो बढ़ोतरी या गिरावटी आ रहा है उसके कारण जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर को, तो वो रिटर्न माइनस आरएफ, ये जो रिटर्न का डिफरेंस है इसको हम बुलाते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी मार्केट में उतार चढ़ाव होने के कारण जो रिस्क लेते हैं उसके कारण जो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। आरएफ तो चाहिए, ये हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिलता है। इसके अलावा हमें मार्केट रिस्क प्रीमियम भी चाहिए, मार्केट से जो एक्स्ट्रा पाना है। बट सिंस हम मार्केट नहीं, हम शेयर का के ही निकाल रहे हैं, तो हम ये जो रिस्क प्रीमियम है ये हम चाहते हैं शेयर का रिस्क प्रीमियम है। और उस शेयर का रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए हम देखते हैं अगर मार्केट में इतना प्रीमियम चल रहा है तो वो शेयर कितना उस चेंज के कारण इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा। बीटा मतलब सिस्टमैटिक रिस्क। ऑब्वियसली कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनी को जो मेजर करता है, जो कि टाइम्स में होता है कि अगर मार्केट 1% से चेंज हो रहा है तो कंपनी कितने परसेंट से चेंज होगी, वो जो बीटा आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क का एक टूल, एक मेजरमेंट, और वो हम बीटा यूज करके इनटू करके के ई निकालते हैं। एंड इन नटशेल के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इनटू बीटा। सम्स में आपको ये सब दे देगा बड़े सवाल में, बट अगर बीटा ना दे तो बीटा का फॉर्मूला बड़ा टेक्निकल था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्केट एंड स्टॉक इनटू एसडी ऑफ स्टॉक यानी शेयर डिवाइडेड बाय एसडी ऑफ मार्केट। और ये आर क्या है सर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आ सकता है। यानी बड़े सम्स में के ही निकालने का एक तरीका ये दे सकता है। तो ध्यान रखना है आरएफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट, आरएम मार्केट का रिटर्न, आरएम माइनस आरएफ मार्केट का रिस्क प्रीमियम, और बीटा मतलब कंपनी का जो फैक्टर है रिस्क फैक्टर, सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर। तो थ्योरी भी मैंने पढ़ा दिया साथ ही साथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी ये वाला बात। अब जब हम ये सारा वैल्यूज निकाल लेंगे, के ई भी आ गया, तो लास्ट पार्ट बचता है के आर। के आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू के ई। यदि हम के ई निकालने के वो पांच मेथड्स देखें तो के आर निकालने के भी वही पांच मेथड्स है। बट के ई के आर से डिफरेंट होगा, कम होगा के ई से, अगर अगर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट है। अगर सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो के ई निकालते वक्त हम फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर करते हैं, और उस वजह से जब हम के ई का सम्स करते हैं हमें डी वन बाई पी जीरो से फ्लोटेशन कॉस्ट हटाना है, क्योंकि इशू करते वक्त जो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा वो हट जाएगा, प्लस जी करेंगे। बट के आर निकालते वक्त हम ये काम नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे माइनस एफ सी नहीं करेंगे और हम सिंपली ये काम करेंगे। तो सिंस यहाँ डिनोमिनेटर गिर जा रहा है तो पूरा आंसर भर जाता है, इसलिए के ई ज्यादा आता है के आर से अगर सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर डायरेक्टली के ई दिया हुआ है सपोज कुछ 20% और आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है 2%, तो के आर निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि हमें के आर कम से भी चलेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता उसमें तो उसको हटा सकते हैं, और उस केस के लिए आप 20 से 2 माइनस मत कर दीजिएगा। तरीका है 20% से 1 माइनस 2%, यानी 2% कम करना 20 का इज नॉट 18, इट इज 0.98 ऑफ 20, यानी कि 20 इनटू 0.98 व्हिच इज 19.6 केआर हो जाएगा 19.6। 2% से कम कर देना, 20 को 2% से कम कर देना, यानी 2 माइनस नहीं
2% से कम करना मतलब 98% ले लेना केआर निकालते वक्त, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दिया। और यही कुछ कारण होंगे अगर सवाल में, तो हमें मार्केट वैल्यू को दो पार्ट में सेग्रीगेट करना होगा, जो मैंने अभी बोला था आपको, जो मैंने अभी आपको बोला था ऊपर, कि मार्केट वैल्यू को दो रेशियो में बांटना होगा अगर केई के आर अलग है, जो कि अगेन वही है एग्जाम पर्पस के लिए ट्रिकी पॉइंट था इसलिए बता दी सर। दूसरा रीजन, ऐसा ही एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट। अगर पर्सनल शेयर होल्डर का टैक्स रेट भी दिया हुआ है, यानी कंपनी का नहीं शेयर होल्डर का टैक्स रेट दिया हुआ है, तो केआर निकालते वक्त केई से 1 माइनस पर्सनल शेयर होल्डर्स टैक्स रेट कर देते हैं। जैसे मान लो वही एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूं, केई दिया हुआ था 20% और पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज 40%, तो जब हम केआर निकालेंगे, ये शेयर होल्डर्स का टैक्स रेट है, तो केआर निकालते वक्त हम केई से 1 माइनस ये टैक्स रेट कर देंगे, यानी 20 का 60% ले लेंगे, 20 का 60% ले लेंगे, 12% के आर हो गया। ध्यान रखिएगा अगर सम्स में क्या है पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स, तो अगर ये दोनों सम्स में है या दोनों का एक भी अंश है तो केई के आर डिफरेंट होगा, अदरवाइज केई के आर सेम होगा, एक फ्लोटेशन कॉस्ट, दूसरा शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स। डन है एवरीबडी। अब जैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें, वैसे अगर हमें एडिशनल फंड्स दिए हुए और कंपनी में कोई एग्जिस्टिंग फंड्स भी है, तो एग्जिस्टिंग फंड्स के कॉस्ट को निकालने को हम एग्जिस्टिंग WACC या कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO बुलाते हैं। बट हम एडिशनल फंड्स का अगर यही काम करें, मतलब तरीका सेम है, बस टर्म क्या हो गया सर, एक्स्ट्रा फंड्स के लिए अगर हम यही कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो तो, मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा के लिए। और अगर हम इन दोनों को मिला के भी बोले तो वापस से ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया फॉर होल कंपनी। तो कई बार सवाल में बोलता है एडिशनल कैपिटल का कॉस्ट बताओ, तो निकालने का तरीका तो वही है, टेबल वैसे ही बनाना होगा, बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला वैल्यू लिखना होगा और उनका कॉस्ट लिख के इनटू कर देना होगा, और अगर एग्जिस्टिंग भी है तो सब लिखना होगा। क्या डन है आपको बात? ये थे कुछ बातें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, होपफुली आप सबको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार रिवाइज हो गया हो। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे इस बार के MTP की ओर, आ जाइए। इस बार के MTP में मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि जो आपका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर एक भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। 7 का A रेशियो था, 7 का B आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, 8 का A वर्किंग कैपिटल, 8 का B डिविडेंड पॉलिसी, 9 का A इस बार कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, जो कि आने का चांस कम रहता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, और 9 का B कैपिटल बजट। अब ये वापस से वो पुराना फॉर्मेट फॉलो करने लगा है इंस्टीट्यूट, और सिंस अगर ऐसा फॉर्मेट फॉलो करता है तो चांस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने का, और वो आएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आएगा। अगर मैं इस टर्म का पेपर देखूं जो जनवरी में हुआ था, जो ठीक आपसे पहले इस जनवरी में हुआ था, उसके पेपर की ओर जाऊं तो ध्यान से देखना क्या आया था सवाल। ये एक सवाल देखिए MCQ में आया था, क्या आप अभी ट्राई करेंगे इस सवाल का आंसर? क्या सारे बच्चे इस सवाल का आंसर एक बार ट्राई करेंगे? देखिएगा ये सवाल क्या है, कैलकुलेट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी आरएफ निकालना है। सवाल में आरएफ नहीं दिया, इफ वैल्यू ऑफ बीटा दे दिया, मार्केट रिटर्न आरएम दे दिया और केई दे दिया, तो क्या आपको निकालना आता है? आज ही सिखाया हूं, अभी सिखाया हूं, केई इज इक्वल्स टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। अब आप इस इक्वेशन को यूज करके आरएफ निकाल सकते हो, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं सर हम, यहाँ 13%। अब अगर हम इसको बोले तो ये 16% एज इट इज रखेंगे, आरएफ प्लस 1.5 इनटू 13
तो ये आ गया आपका 19.5 और -1.5 आरएफ। अब ये दोनों कट के -1.5 आएगा और वो यहां आ जाएगा, तो 0.5 माइनस ये 0.5 इज इक्वल्स टू 3.5, तो 3.5 डिवाइड बाय 0.5 तो आरएफ हो जाएगा 7%, आरएफ आ जाएगा 7% डी। ये एक नंबर का इस बार का सवाल एग्जाम में आया हुआ, दिसंबर 2022 का जो एग्जाम जो जनवरी 2023 में हुआ। डन है आरएफ 7%। आ जाओ नेक्स्ट, ये आया बड़ा सवाल 8 का ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। इस बार का एग्जाम में आया हुआ सवाल 8 का ए, सारे बच्चे आएंगे 8 का ए। एच डी आर मेरे यहां से देख सकते हो आप, नहीं तो आपके पास ये पेपर्स होंगे, आप अपना डाउनलोडेड फॉर्म में देख सकते हो इसको। मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आपको बेसिकली लास्ट टर्म का पेपर जो अभी हुआ जनवरी में और इस बार का एमटीपी जो आप ही के रिसोर्स है, मेरे कोई रिसोर्स एक्स्ट्रा नहीं है। एच डी आर रिक्वायर्स एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20 लाख, एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीज चाहिए। देखो एडिशनल फाइनेंस तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा, तो सर सम्स हो सकता है बोलेगा एडिशनल फाइनेंस का कॉस्ट निकालो या मार्जिनल कॉस्ट निकालो, हाँ बोल सकता है, तो फर्क तो पड़ता नहीं है उस बात से। नहीं, फॉर मीटिंग्स विद इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है और उसके लिए उसको 20 लाख रुपया और उठाना है। कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, कंपनी के पास ऑलरेडी 4 लाख रुपया पड़ा है रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म के रूप में, जो कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए साइड रखा हुआ था, तो वो 4 लाख तो अपना रिटेन अर्निंग से ले आएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, ये याद रखिएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। उसको आगे जाके अपना डेट इक्विटी रेशियो को डिस्टर्ब करना नहीं है और उसको कितना रखना है 25:75 के रेशियो में डेट इक्विटी चाहिए। यानी अगर मैं इधर आपको बोलूं कि कंपनी को 20 लाख रुपया अगर उठाना है और 25% और 75% के रेशियो होना चाहिए डेट इक्विटी, तो उसको डेट से कितना लाना है और इक्विटी से कितना लाना है जल्दी से बताना। उसको डेट से कितना रुपया उठाना है और इक्विटी से कितना रुपया प्रोक्योर करना है बताना। अगर 20 लाख टोटल था याद है, और अगर उसको 25:75 के रेशियो में बांटना तो कितना। सर वो 4 लाख रिटेन अर्निंग, अरे वो तो इक्विटी का पार्ट होता है, तो वो तो बाद में बात करेंगे, पहले बताओ डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से कितना डेट और कितना इक्विटी। डेट आया 5 लाख, 5 लाख का डेट, और इक्विटी आया 15 लाख, 15 लाख का इक्विटी 25:75% ऑफ 20 लाख। इस 15 लाख में ऑलरेडी घर पे जो रिटेन अर्निंग्स पड़ा है वो है 4 लाख, तो बाकी का 4 लाख अगर रिटेन अर्निंग्स है, बाकी का 11 लाख कहां से लाओगे? सर बाकी का 11 लाख लाने के लिए इक्विटी शेयर इशू करना होगा, जो कि हो गया 11 लाख पेच। बोलो डन है बात, यानी 15 लाख में 4 लाख तो घर पे पड़ा, बाकी का 11 लाख इशू करके लाए और 5 लाख का डेट लाए। आइए देखते हैं समसा के क्या। द डेट का कॉस्ट इज 10% बिफोर टैक्स, यानी प्री टैक्स रेट दिया, इसको पोस्ट टैक्स करना आता है आपको क्योंकि कॉस्ट सारे पोस्ट टैक्स होते हैं, जिसमें बोला 2 लाख तक 10% लगेगा बिडू। तो भाई 2 लाख तक अगर मेरा 10% डेट आता है तो बाकी का 3 लाख भी तो लाना है, यानी बियॉन्ड उसके मेरे को 13% पे दे रहा है, 2 लाख तक 10% उसके ऊपर 13%। इसके बाद कंपनी का ईपीएस दिया, डिविडेंड पे आउट दिया, पीई रेशियो दिया, ये कुछ 3 इंफॉर्मेशन दिए हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर दे दिया, डिविडेंड पे आउट दे दिया,
और पी रेशियो दे दिया 5 times. पी रेशियो क्या होता है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो. इससे क्या होगा सर? ऑलरेडी अर्निंग्स है और पीई मतलब प्राइस बाय अर्निंग. तो इन दोनों को अगर आप इंटू करोगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा. तो ईपीएस अगर 12 है, आज के दिन 12 रुपया कमा रहे हैं, और प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग मतलब प्राइस एज कंपेयर टू अर्निंग इज 5 times. अगर 12 कमा रहे हैं तो इसका 5 गुना आज के दिन मार्केट प्राइस होना चाहिए, तो वो आ गया 60 rupees. 60 rupees इज मार्केट प्राइस. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%. और ग्रोथ के बारे में कंपनी ने कुछ बोला नहीं है. तो कंपनी वॉन्ट्स टू इशू द इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ मार्केट प्राइस. तो देखो मार्केट प्राइस 60 आ गया, इसका 20% प्रीमियम पे इशू करना चाहता है. तो 60 का 20% बढ़ा दो, 60 पे 20% बढ़ा दो, तो बताओ कितने पे इशू करेगी कंपनी ये शेयर्स? व्हाट विल बी द इशू प्राइस? इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, एनीबडी? ये 60 कैसे आया? क्लियर है, अर्निंग पर शेयर 12 है और अपना 5 करके पीई रेशियो है, तो प्राइस हो गया 60. बट बोल रहा है और 20% प्रीमियम ऑफ मार्केट प्राइस, यानी 72 पे इशू करेंगे. बिल्कुल सही. अब यदि हम 72 पे इशू करेंगे और 6 का फ्लोटेशन कॉस्ट याद रखिएगा, और डिविडेंड कितना है? 50% 12 का, कोई ग्रोथ रेट नहीं है. ओके, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे केई निकालते वक्त? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल. सिंस ग्रोथ रेट नहीं है तो हम कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल अप्लाई करेंगे. आप सब जानते हैं हम कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल अप्लाई करेंगे. जैसा आपने पढ़े थे कि बेस्ट मेथड होता है अपने लिए ये वाला, बट अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो हम इस फॉर्मूला में जंप कर जाएंगे. ओके सर. इसके बाद कंपनी का टैक्स रेट दिया है, तो सर ये काम आएगा वो जो डेट आया था ना 10 और 13, उसको आफ्टर टैक्स करने में, क्योंकि वो प्री टैक्स था. ये क्या दे दिया? ओ माय गॉड, हो क्या हमें पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट दे दिया? कितना परसेंट? 20%. ये आते ही क्या होता है सर? के ई के आर अलग अलग होता है और हमको अलग अलग करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो आइए निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एडिशनल फाइनेंस 6 नंबर के लिए. चलो कॉपी में करो मेरे साथ सर. ये कौन सा सम्स आप करा रहे हैं सर, बताइए ना. ये है तुम्हारा जनवरी 23 एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8 का ए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसका अभी तक सजेस्टेड आंसर नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूं वही सही है आपके लिए. आ जाइए, चिंता मत करिए, सही कराऊंगा. आइए 8 का है. सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, और उसके लिए ढांचा बनाओगे जैसा मैंने आपको सिखाया, टेबल सोर्सेस अमाउंट या वैल्यू वेट्स कॉस्ट और फिर WACC वेटेड एवरेज. अगर ये कॉलम है, ये कॉलम भी, तो ये ए इंटू बी. बताइए कितने सोर्सेज हैं सर? टोटल 4. एक 10% डेट, एक 13% डेट, एक रिटेन्ड अर्निंग्स या पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक रिटेन्ड अर्निंग्स. ध्यान है ना आपको, ये दोनों 25% था और ये दोनों 75% था, डेट इक्विटी रेशियो. ये मैं ऐसी ब्लैक वाला पॉइंट ऐसे ही लिख रहा हूं. आ गया सजेस्टेड आंसर दिव्या, दिया मेरे को बेच सकते हो आप, क्योंकि इसका एक सवाल रॉन्ग था रेशियो वाला. मेरे को देखना है ये लोग क्या किए. बेच सकते हो आप मेरे पर्सनल चैट में. डेट, डेट का बताइए कितना वैल्यू था? 2 लाख और यहां 3 लाख, क्योंकि 2 लाख तक 10% पे आ रहा है, इधर 3 लाख. इक्विटी हम 11 लाख इशू कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स घर में 4 पड़ा है, टोटल आ गया 20 लाख. अब अगर हम इनको परसेंटेज में निकालेंगे, वेट्स हो गया 0.1, अगला हो गया आपका 0.15, नेक्स्ट हो गया आपका 0.55, और ये हो गया आपका 0.2. टोटल पक्का 1 आएगा.
अब हम कॉस्ट निकालेंगे एक एक करके। आइए इसके ऊपर हम नीचे वर्किंग नोट नंबर वन दे देते हैं। वर्किंग नोट नंबर वन इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन परसेंटेज पर एनम। आ जाओ, सबसे पहले डेट अप टू 2 लाख 10% का कॉस्ट है जिसको आफ्टर टैक्स करना है, और कंपनी का टैक्स रेट दे दिया अपने को 30%, तो हो गया 7%। कॉस्ट डेट अप टू इतना का हो गया 7%। नेक्स्ट डेट बियॉन्ड 2 लाख का कॉस्ट था 13%, 1 माइनस टैक्स रेट 9.1। हाँ टेलीग्राम में भेज दो 9.1। अब इक्विटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिविडेंड कांस्टेंट अप्रोच, जिसमें हम डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस लेंगे। बट याद रखिएगा सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट भी है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक, इनटू 100%। अब डिविडेंड कंपनी का था 12 का 50%, क्योंकि 12 रुपये अगर अर्निंग है तो डिविडेंड पे 50% हुआ है तो आधा, और मार्केट प्राइस निकला था अपना 12 का 5 गुना। मेरे को ख्याल से इसको अपने को वर्किंग में और दिखा देना चाहिए। हेयर मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, बोला था 12 का 5 टाइम्स पी रेशियो 60 प्लस प्रीमियम। कितना प्रीमियम बोला था सवाल? प्रीमियम बोला था 20%, तो 12 रुपया यानी 72, तो नीचे हो गया 72 माइनस 6 रुपया का फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 72 से 6 गया 66 और ऊपर है 6, यानी ये आ गया 11%, सॉरी 11 ने ऊपर 6 था नीचे 66, तो 9.09%, 9.09%, 9.09%। चेक करो क्या यही आया आपका भी, चेक करो क्या यही आया आपका भी। चेक करो क्या यही आया आपका भी। अब जब हम के ई निकालेंगे तो ये कर दिया, बट जब हम ये के ई आ गया के ई, दिस इज के ई, बट जब हम के आर निकालेंगे हम ये फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। और तो और कंपनी में क्या दिया हुआ था बताओ सवाल में, पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट, क्या ये दोनों चीज हट जाएगा? बिल्कुल, के आर निकालेंगे, के आर निकालते वक्त हम पहले तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, विच इज सिंपली योर की 6 रुपया वाला बात को हटा देंगे, तो 6/72 ही लेंगे। और तो और इसमें हमें पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट भी हटाना है, तो 1 माइनस पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स रेट, तो 6/72 इंटू 80%, कमिंग टू 6.67%। के आर इज कमिंग टू 6.67%। दिया आपने, भेजा नहीं मेरे को अभी तक सजेस्टेड आंसर। जैसी के ई के आर आ जाएगा आप ऊपर उसको भी पुट कर दोगे। के आर निकालते वक्त याद करिएगा, एक तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लिखना है और एक आफ्टर टैक्स करना है।
डन। अब आप इसको वेटेड एवरेज से इनटू करना चालू करो और इसका टोटल बताओ। एट पॉइंट फोर परसेंट, चेक करो 8.4%, 9.4, मेरा 8.4 आ रहा है, चेक करो एक बार। हाँ 8.4 आया सबका। ओ, इन्होंने आंसर नहीं दिया है, इन्होंने बस आंसर लिख दिया कि आंसर ये आएगा, कैसे आएगा नहीं दिया, बट आंसर ये आएगा लिख दिया। जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेटेड एवरेज का आंसर इतना ज्यादा आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, कारण जो मेन रेट्स है वही इतने कम है। तो बुरा सवाल गड़बड़ किया हुआ इन्हों का, और अपना जो आंसर आया है वो सही है, बट ये जो सजेस्टेड आंसर आया है पता नहीं किन का है जो भेजा गया है मेरे को, उनका आंसर अजीब सही है, 16.9 आया है उनका, और अपना आया है 8.4, आधा, और ऑब्वियसली 8.4 ही होगा, कारण यदि आंसर्स कभी भी एवरेज इनके बाहर आ नहीं सकता, और KEKR निकालते वक्त सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट भी डाल दिया और सम्स में शेयर होल्डर टैक्स रेट भी दे दिया, ये जो दो बात दिया है, जब हमारे किताब में सम्स था ना उसमें ये नहीं था, और उस केस में आंसर वही आ रहा था। तो ये जो सम्स ये लोग यूज किया ना, ये लोग बहुत गलत यूज किए। मैं आपको दिखा सकता हूं अपने बुक में भी ऐसा सवाल है, बट जब अपने बुक में ऐसा सवाल है उसमें ये सब झमेला नहीं था, ऑल्दो ये वाला बात था बट ये सब झमेला नहीं था। होपफुली आप रिमेंबर कर रहे हो ये सब बात, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। ये देखो ये रहा वो सवाल, ये रहा वो सवाल, मेरे बुक में जो सवाल था वो ये है 20 नंबर, देखो सेम सवाल है, ये मेरे किताब का सवाल है, जहां पे वही है 20 लाख्स, 4 लाख का वो डेट इक्विटी, 10%, 2 लाख तक, 13%, EPS 12, डिविडेंड, बट उसके बाद मेरे सवाल में यही करेंट मार्केट प्राइस 60 है, और ग्रोथ रेट भी दिया हुआ था, टैक्स रेट है, शेयर होल्डर टैक्स रेट है, बट वो फ्लोटेशन कॉस्ट वाली बातें नहीं।
और कैलकुलेट दी फॉलोइंग। देखो बहुत सारी चीजें मैंने मांगी, मैंने तो वो भी मांगा है जो सम्स मांगा है अलग से, और ये भी मांग लिया ऊपर और भी कई चीजें। तो ये सेम सवाल अपने एग्जाम में आया बट कुछ ट्विस्टेड मैनर में, जबकि आंसर यही वाला लिख दिया। तो ये जो लोग जो बीच में ये लोग डाला प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट इसके वजह से और ग्रोथ रेट नहीं, इसके वजह से सम्स का पहलू चेंज हो गया और आंसर वो नहीं आएगा जो अभी आया। तो जो आंसर आया वो अपना राइट है एज पर द सम सॉल्यूशन, बट ये सजेस्टेड आंसर कहां का है मुझे भी नहीं मालूम। अगर ये आईसीएमएआई नहीं अपलोड किया है तो उन्होंने बिल्कुल गलत निकाला है ये वाला बात। अब बताओ बच्चों के साथ खेलवाड़ नहीं तो और क्या हो रहा। ऑफ कोर्स वो रेशियो वाला सम्स इनकम्प्लीट है क्योंकि वो सम्स ही पूरा नहीं है। एट का ए तो पक्का गड़बड़ है क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा क्या गड़बड़ी है। अपने जो सम्स किए वो बिल्कुल सही है और ये सही आंसर। डन है सबको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला बात। तो सर ये जो हमारे साथ खिलवाहट हुआ है इसका क्या, मेरे पास अभी मेरे आपके आगे सजेस्टेड आंसर है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जिसमें इन्होंने सॉल्व कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ क्या किया है आपको आंसर लिख के दे दिया। और ये आंसर तब आ सकता था यदि सवाल में वो सब बातें ना हो जो कि लिखी हुई थी। ये देखिए ये रहा सजेस्टेड आंसर जो मेरे पास अभी जस्ट आया है, जिसमें ये देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस लिख दिया, इतना आया। कैसे आया नहीं लिखा, कैसे आया नहीं लिखा, बस लिख दिया। ये देखो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो ना, एवरेज कैन नेवर बी 17% जब आंसर ही 7, 9, 6 टाइप्स आ रहा है तो कहां से आंसर 16 तक चले जाए, मतलब समथिंग एकदम डिफरेंट। और वही जो सम्स में एक और रेशियो का सवाल आया था, देखो उसका आंसर 246% बोल रहा है रिटर्न है ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कुछ भी। वो ऑलरेडी बच्चा मेरा करवाया हुआ है इसलिए वो मेरे को करवाने का दरकार नहीं है। जैन 23 में मैंने इकट्ठा कर लिया था आपके लिए सारे सवाल, इस बार मैं फोकस करना चाह रहा था जो सवाल एग्जाम में आए, जो इस बार के एमटीपी में आए वो आपको करा दूं। और मैं और अविनाश भैया भी वही स्कोप में चल रहे हैं क्योंकि जो हमने करवाया उसके बावजूद जो पेपर में सवाल आया सब देखा हुआ, बट आंसर यदि ऐसा ये लोग करेगा तो कौन कौन जिम्मेदार है बताओ। मतलब बहुत ही गलत बात, शर्मनाक बात हो रहा है हमारे लिए कि हम पढ़ के भी अच्छा सा करके भी राइट करके भी नंबर नहीं पा रहे, तो ये तो गलत है ना। आप दो सॉल्यूशन दिखाओ मेरे को इसका, आप अगर इसका मेरे को सॉल्यूशन दिखा देते जिससे आपका आंसर ये आ रहा है तब मैं मानता, कुछ नहीं सीधा लिख दिया। इन लोगों का हिम्मत ही नहीं था 6 नंबर के लिए लिखना। हाँ होगा ही, हो ही सकता जो आपका कॉस्ट में भी गड़बड़ हो रहा है। मैंने वैसे करवाया है पेपर कॉस्ट का भी, कॉस्ट का भी पेपर करवाया, ये वाला पेपर भी करवाया, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। बट ये बहुत ही होता है ना अजीब सा पेपर, बहुत ज्यादा टफ बना दिया और उसके बाद सॉल्यूशन भी गलत। देखो अभी मेरे को उस सब बारे में बात नहीं करना, मैं ऑलरेडी बहुत लड़ाई कर चुका हूँ इस बारे में लोगों के साथ कि क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो अब मैं उन सब बातों में गौर नहीं करूँगा। मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बन जाएगी अगर मैं उन सब बारों में बात करूँ तो। आई थिंक वी शुड नाउ स्टडी हार्ड, बाकी अपने कुछ नहीं कर सकते। शैल वी कंटिन्यू? तो यहाँ होता है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट और कुछ 1 घंटे 10 मिनट में हमने ये पार्ट सीख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं आज नए चैप्टर की ओर। कॉपी में हेडिंग देंगे लेवरेज, बहुत आसान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। हाँ आइए लेवरेज फटाफट लिखेंगे सब। लेवरेज
तैयार है सब? चलो नया चैप्टर लेवरेज, अगेन सब जानते हैं लिवर। लिवर मतलब सर, लिवर मतलब जब हम कोई दो तराजू में दो चीजों को नाप रहे हैं, एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ और। लिवर और लेवरेज इधर होता है जहां हम एक तरफ, जैसे आपने सीसॉ देखा है उसमें जो ये बीच वाला पार्ट होता है उसको लिवर बुलाते हैं। ये जो लिवर है इसके एक तरफ अगर अविनाश भैया बैठे हैं और एक तरफ नवनीत भैया, ऑब्वियसली ऐसा ही दिखेगा। तो एक तरफ आपका आता है बोरोड फंड्स और एक तरफ आता है आपका ओन फंड्स। तो अगर हम अपने बोरोड फंड्स और ओन फंड्स को मैनेज करना सीख ले, उतार चढ़ाव को सीख ले, तो उसको लेवरेज बोलते हैं। यानी ये जो रिस्क है कि हम बोरोड फंड्स कंपनी में लेते हैं उसके कारण क्या रिस्क है, वैसे ही और भी रिस्क होते हैं, लेवरेज और भी तरीके से निकलते हैं। क्या भैया, एक तरफ तराजू में है फिक्स्ड कॉस्ट और एक तरफ तराजू में है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होने के कारण जो कंपनी में रिस्क आता है उसका भी क्या। तो ये ऑपरेटिंग लेवल का बात हो गया और ये फाइनेंसिंग लेवल का बात हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला के एक तराजू में रख दे, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वो कुछ बोरोड फंड के कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड यानी फिक्स चार्जेस को, और एक तरफ हम वेरिएबल चार्जेस और वेरिएबल कॉस्ट को रख दे। वेरिएबल चार्जेस जैसे कि सर इक्विटी डिविडेंड, तो हमारा ये जो तराजू है इसको हम कंबाइंड लेवरेज बोलते हैं। कंबाइंड लेवरेज मिला के, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे में मैंने अभी आपको बताया कि क्या निकलता है हमारा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा तीन टाइप का लेवरेज होता है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और कंबाइंड। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, विच मींस रिस्क ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट इन द कंपनी। ऑपरेटिंग लेवल का रिस्क, जिसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क के कारण जो रिस्क अराइज होता है उसका फॉर्मूला दो ठो है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि बोलता है कंट्रीब्यूशन, जो आप जानते हो इनकम स्टेटमेंट में कैसे निकलता है, यू आर माहिर ऑन दैट कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी व्हिच इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर अगर दो टर्म का डेटा या चेंज का डेटा दिया है तो इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये चेंज का साइन होता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। और परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स सेम होता है क्योंकि दोनों सेम परसेंटेज से वेरी करता है, जैसे आप सब जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से। तो ये दो फॉर्मूला है ओएल का, वैसे ही एफएल फाइनेंशियल लेवरेज का भी दो फॉर्मूला है। क्या दो फॉर्मूला है सर? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो बोलता है एक तरफ हम डालेंगे ऊपर ईबीआईटी और नीचे हम रखेंगे ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये जो फॉर्मूला है इसमें ध्यान रखिएगा, ऊपर सिंस एक प्रीटैक्स प्रॉफिट है तो नीचे भी प्रीटैक्स प्रॉफिट है और बीच में क्या आता है इंटरेस्ट। यानी यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि देयर इज ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट, बट अगर सवाल में प्रेफरेंस भी है, इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तब नीचे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी रिड्यूस कर देना होगा और उसके लिए हम ईबीटी से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा देते हैं। बट सिंस ये एक प्रीटैक्स प्रॉफिट है इससे हम प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्रीटैक्स करते हैं। आपको मालूम है ना, जैसे अभी हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कोई भी चीज को पोस्ट टैक्स करने के लिए हम इनटू वन माइनस टैक्स करते हैं, तो प्रीटैक्स करने के लिए हम डिवाइडेड बाई वन माइनस टैक्स करेंगे। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट एंड पीडी का अगर सवाल आता है तो एफएल का फॉर्मूला ये है, बट अगर सवाल में सिर्फ इंटरेस्ट है तो ईबीटी लेने से भी चल जाएगा। और यही हमने पढ़ाई की है, ज्यादातर आने का चांस वो पहला वाला ही है। और अगर परसेंटेज चेंज का बात करूं तो सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन हम बोल सकते हैं, अगर सम्स में सिर्फ इंटरेस्ट है तो इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या आफेश या बोल लो आप ईट या बोल लो आप ईबीटी, कुछ भी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बट अगर प्रेफरेंस भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईपीएस या आफेश लेने से ही चलेगा, आप बाकी कुछ नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली अगर आप ये सेकेंड फॉर्मूला याद रखते हो तो फर्स्ट वाला तो ऑटो याद हो जाएगा, क्योंकि उस केस में अगर ये जीरो है तो ईबीआईटी बाई ईबीटी बन जाएगा। और यहां पे भी ये दोनों बात तो थी,
तो कोई नया बात नहीं है, अगर प्रेफरेंस आता है तो ज्यादा टफ हो जाएगा, बट नहीं आता है तो आसान, ज्यादातर नहीं आने का चांस, क्योंकि सिलेबस में जो सम्स के फ्रेमिंग है उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को इज्जत नहीं दिया गया। बट क्या यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज का दोनों फॉर्मूला क्लियर? अब अगर मैं कंबाइंड लेवरेज बोलूं, जिसको हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी बोलते हैं, तो दैट इज ओएल इनटू एफएल, मतलब दोनों को कंबाइन कर देना, मिला देना इनटू, और डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूं तो इसका भी वही दो फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें एक हो जाएगा ऊपर आ जाएगा अपना ई बी आई टी जैसे कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और नीचे हो जाएगा ई बी टी। अब यहाँ पे अगेन मैं मान रहा हूँ ओनली इंटरेस्ट, अगर प्रेफरेंस होगा तो वापस से वो नीचे माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रीटैक्स, और इस तरफ हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या आफेश या वही ईबीटी या वही पैट होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन या सेल्स। क्योंकि जब आप इन दोनों फॉर्मूला को इनटू करोगे तो आप देखोगे ईबीटी ईबीटी वाला पोर्शन कट जा रहा है और डायरेक्टली ये आ जा, ये हो गया कंबाइंड वाले का फॉर्मूला। इन सब टाइप के सम्स को करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं नंबर वन। नंबर टू, ध्यान रखना है अगर सवाल में कोई भी तरीके का लेवरेज दिया है तो पहले उस लेवरेज को यूज करके आप कोई भी फिगर निकालोगे और बाकी का जो बचेगा आप उसको बैलेंसिंग फिगर ले लोगे। एज इफ क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो सम्स में इंटरेस्ट निकल रहा है एक तरीके से, जहां पे आपको बॉन्ड का वैल्यू दे दिया कि 10,000 बॉन्ड्स खरीदा गया है जिसका वैल्यू है 50,00,000 रुपए, और एक तरफ एफएल भी दे दिया 1.5 टाइम्स, और आपका मान लो ईबीआईटी तक आ चुका है। तो यदि ईबीआईटी आ चुका है 10,000 रुपया या मान लो 1,00,000 रुपया, तो अब आप इंटरेस्ट निकालने के लिए इस वैल्यू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ना करके बेटर अप्रोच रहेगा एफएल यूज करके इंटरेस्ट निकालो। कैसे सर? मान लो ईबीआईटी 1,00,000 दिया है तो ईबीटी नीचे वाला होगा और ये 1.5 हो जाएगा, तो ईबीटी निकल जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.5 करके, तो बीच में जो इंटरेस्ट होगा वो हम बैलेंसिंग फिगर बोल देंगे, हम इस बात को इज्जत ही नहीं देंगे जो वो इंटरेस्ट वाला बात लिखा है। अगर सम्स में एफएल या ओएल दिया है पहले उसको यूज करके अपने कुछ भी और चीज निकालेंगे, ये ध्यान रखना, ये सम्स में एक मिस्टेक होता है लोगों से। ओके सर, अब ये लेवरेजेस के बीच में जो रिलेशन है अगर वो आपको क्लियर है तो लेवरेज के सम स्टार्ट कर सकते हैं। आयो आयो अगेन, इस जो एमटीपी था उसमें कुछ लेवरेज के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सबसे पहले ये एक एमसीक्यू सवाल, पढ़िए फटाफट पढ़िए फटाफट। इफ ईबीआईटी इज 1,00,000, फिक्स्ड एसेट्स इज 2,00,000, सेल्स इज 10,00,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 7,00,000, देन ओएल इज, काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है बट काम का बात इसमें से बहुत कम है, बिकॉज वी नो ओएल यानी ऑपरेटिंग लेवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी एंड कंट्रीब्यूशन इज सिंपली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 3,00,000 और नीचे ईबीआईटी 1,00,000, आंसर इज 3 times, तो ये वाला डेटा कोई काम का नहीं था फिक्स्ड एसेट। क्या डन है आपको बात? 3 times इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट लेवरेज के ऊपर एक अच्छा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछा गया कि क्या लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एक आइडल सिचुएशन नहीं है। असल में बोलूं तो यही एक आइडल सिचुएशन, कंपनी में हमेशा जो तराजू में है ना उसमें फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग लेवरेज जितना कम हो उतना बढ़िया, आप जितना कम ऑपरेटिंग कॉस्ट कर सकते हो फिक्स्ड वाला कम वो करना चाहिए, यानी आपको धंधा वेरिएबल कॉस्ट पे चलाना चाहिए। बट वहीं यदि फाइनेंशियल लेवरेज की बात आती है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट बोलता है, अगर बाजार के पैसे से आप काम करते हो तो आप ज्यादा फायदेमंद रहते हो, जैसे बिजनेस का भाषा बोलता है, क्योंकि लोन लेके काम करने से जो फायदा है वो खुद के पैसों से नहीं है, क्योंकि खुद को पैसों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसी है और बाजार के पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, उनको कम देके भी चल जाएगा और उनके पैसों से हम ज्यादा कमा सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनके भी पैसों के जो कमाए हुए वैल्यू है वो भी इंजॉय करेंगे। ओके सर, तो इस तरीके से ये वाला आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि दिस सिचुएशन इज आइडल सिचुएशन वेयर लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई फाइनेंशियल लेवरेज इज देयर इन द कंपनी।
अब ये पक्का फेवरेबल जाएगा कि नहीं ये श्योर नहीं है, क्योंकि वो फेवरेबल होगा कि नहीं वो डिपेंड करता आप कमा कितना रहे हो उसके ऊपर, बट ये एक आइडल सिचुएशन है। अगला, अगर सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टर्म में एमटीबी में लेवरेज के ऊपर कोई बड़ा सवाल नहीं था। आइए अपना टर्म का पेपर देखते हैं। अगेन इस टर्म के पेपर में भी लेवरेज का सवाल नहीं था, क्योंकि रेशियो पूछ लिया तो लेवरेज नहीं पूछता है, और वैसे ही डिविडेंड अगर आ जाता है तो भी लेवरेज नहीं पूछता है, बट वही एक नंबर का लेवरेज का सवाल था एग्जाम में, वो जरूर करेंगे। चेक कीजिए ये वाला सवाल, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 50% ऑफ ईबीआईटी देन ओएल इज, प्लीज ट्राई। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 50% ऑफ ईबीआईटी देन ओएल इज, ट्राई कीजिए। वी नो कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता तो ईबीआईटी आता। अब ईबीआईटी अगर एक्स है तो फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है 0.5x था, तो कंट्रीब्यूशन पक्का 1.5x होगा, तब तो जाके वो एक्स आया होगा रिवर्स कैलकुलेशन से। तो हमको निकालना है ओएल, इसका मतलब 1.5x by x, तो 1.5 ओएल मांगा है 1.5, और वो ऑप्शन ही नहीं है, बताओ। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 50% ऑफ ईबीआईटी तो वो तो ऊपर चला गया, और रिवर्स होके कंट्रीब्यूशन इतना, ओएल इज 1.5। अब सिंस 1.5 ऑप्शन में ही नहीं था ये तो गलत बात है, तो हम 2 टिक करके आ गए होंगे आप लोग, बट अगेन दिस इज रॉन्ग। देख रहे हो कितना बड़ा मिस्टेक है सवाल, ये डिस्कस किया था मैंने क्लास में भी, तो गलत लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के तरफ से, जहां पे अगेन इसका आंसर 1.5 होता है, जो कि गलत लिखा, बिल्कुल ही तहस नहस सवाल पूछा गया। और पहला सवाल जब ऐसा रहेगा इंसान क्या करेगा बेचारा, 1.5 साफ साफ आंसर है इसका, बट ऑप्शन ही नहीं। तो सर हम ऐसे 2 टिक करके आ जाएंगे, उपाय नहीं बच रहा है रे उपाय, वरना तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ ठीक से नहीं लिखा, हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए था 150%, तब ये 1.5 हो जाता तो ये 2.5 हो जाता और आंसर 2.5 आ जाता, बट ये जो 50% लिखा है गलत है, टाइपिंग एरर, साफ साफ समझ में आ रहा। और पक्का देखना अगर मैं सजेस्टेड आंसर देखूंगा तो बी आंसर हुआ होगा इसीलिए, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लो खुद ही लिखा है, लो सजेस्टेड आंसर में इस बार गलती माना है बच्चा लोग, बोल रहा कुछ भी टिक करो राइट दे देंगे, देखो 6 का ए बी सी डी स्लैश 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 बोल रहा जो करना है करो नंबर फुल मिलेगा। अरे हमको थोड़ी उस समय मालूम हम राइट किए कि नहीं, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, बट देखो क्या लिखा, बोला जो टिक करके आओगे उसमें नंबर, ये देखो ना कैसे दिया, लिख दिया तो कुछ भी करो राइट, मतलब देख लो तुम लोग, आपका इंस्टीट्यूट ही मजाक कर रहा है आपके साथ, मजाक कर रहा, कुछ भी होता ना डायलॉग कुछ भी, मैंने तो दिखा दिया, ये ले अभी दिखा, मेरे को भी आज दिखा, अभी तक मुझे भी नहीं मालूम था ये सब ये लोग क्या करता, बोलता चारों में से कुछ भी टिक करके आओ नंबर दे देंगे, वाह 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 वा, मतलब क्या बात है। मैं तो आज ही देख रहा हूं सर, मेरे को नहीं पता था आगे, मुझे भी नहीं खेलना, चीटिंग है सर ये तो, चीटिंग। चलो कोई नहीं, सो दिस कंप्लीट्स लेवरेज की भी बात है। अर्ची यही तो बात है, अगर मैं अब क्या बोलूं, मैं आपको पब्लिकली और क्या अनाउंस करूं बताओ इससे ऊपर बात, कि ये बेवकूफी हो रहा है अपने साथ, कि अपने इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इतना अनप्रोफेशनली पेपर बनाया जा रहा है। देखो गलतियां सब इंस्टीट्यूट से होती हैं, आपको क्या लगता है सीए इंस्टीट्यूट सीएस इंस्टीट्यूट गलती नहीं करते, बिल्कुल करते, बट वो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट भी करते इस बात को, और इवन एमसीक्यू पेपर्स में होता है सब, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन मैथ्स का गलत आ जाता है, बट वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात, वो बता देते हैं। तो आपका इंस्टीट्यूट तो बोलने से भी घबराता है कि हमने कुछ गलती कर दिया,
ये गलत है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो नंबर देते भी है और बताते भी है कि ये चार क्वेश्चन गलत आया था, इस वजह से बच्चों को नंबर मिला। बट ये बड़े वाले क्वेश्चंस पे नहीं होते, और वो होते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, और वो भी 8 पेपर में कोई एक पेपर में भूल से हो जाता है, तो हो जाता है कई बार। बट वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत कि इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जो भी गलती हुआ। बट इनके तो हर सम्स में मेरे को गलती दिख रहा है। अभी तो मैंने रेशियो का सवाल नहीं देखा, वो देखोगे आप तो फिर बोलोगे गलत है। शंकर देखो अब इस सब मामले में मेरे को नहीं मानो, बट अब हम अपने कुछ नहीं कर सकते, अपने अपना नसीब पे रहो कि देखते हैं जो होगा, इस बार मेरा हो जाए बस ये सोच लो, पढ़ते चलो अपने। मैंने अभी आपको सच्चाई दिखा दी, अब तो इससे बड़ा बात क्या बोलूं कि ये लोग क्या लिए आंसर में। आ जाओ, दिस कंप्लीट्स लेवरेज, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, अब लेवरेज और डिविडेंड पॉलिसी एक ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे का। अगर लेवरेज आ गया तो डिविडेंड पॉलिसी नहीं आएगा, डिविडेंड पॉलिसी आ गया तो लेवरेज नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, लिख के रखिएगा कि आज जो अपने पढ़े उसमें सीओसी और कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑल्टरनेटिव है, और डिविडेंड पॉलिसी और लेवरेज एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब अगर डिविडेंड आ गया तो लेवरेज नहीं आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया तो सीओसी नहीं आएगा, ये एक पैटर्न है इंस्टीट्यूट का। तो ये चार चैप्टर एक साथ करते हैं हम, और कल हम कैपिटल स्ट्रक्चर इसीलिए करेंगे, आज हम डिविडेंड पॉलिसी करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ओके था नहीं इसलिए मैंने करवाया नहीं, बट अगर आपको करना है तो वी मस्ट डू इट। मैं देखता हूँ इससे पहले वाले टर्म के पेपर में एक और मॉक टेस्ट पेपर है मेरे पास, ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना उसका पेपर है मेरे पास, उसमें अगर कोई लेवरेज का सम्स आया तो वो डिस्कस कर लेता हूँ। आया तो था बट बहुत इजी वाला आया था एग्जाम में, ये 3 नंबर का आया था। ये मैंने आपको इंटर का जो पेपर आया था, मॉडल आंसर्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर, जो आपका एमटीपी पुराना ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से था, उसमें जो लेवरेज का सम्स है वो दिखा रहा हूँ, जिसमें ईबीआईटी दे दिया, ईबीटी दे दिया और फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, ओएल और एफएल मांगा 3 नंबर के लिए। अगेन ओएल निकालने के लिए वी नो इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, और आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बट अभी आप जानते हो ईबीआईटी से अगर फिक्स्ड कॉस्ट एड बैक कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी 1120 प्लस 700 यानी 1820 डिवाइडेड बाई 1120 इज ओएल, एंड एफएल विल बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो इन दोनों को यूज करके ओएल और एफएल आ जाएगा। मतलब छोटा सा सवाल है, और सिंस 2 बार से ये लोग डिविडेंड पॉलिसी पे जोर दे रहा है, इवन मॉक टेस्ट पेपर में भी डिविडेंड पॉलिसी से ही जोर दिया है, तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डिविडेंड पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये आ गया आंसर 6 का, चेक करिए। सब बुक के सवाल है, नथिंग टू टेंशन, टेक टेंशन, आराम से हो जाएगा। आइए डिविडेंड पॉलिसी में आते हैं। डिविडेंड पॉलिसी की अगर बात करूं तो डिविडेंड पॉलिसी में आपके सिलेबस में टोटल 3 मेन टाइप, जिसको बोलते हैं एक को रेलिवेंस अप्रोच या रेलिवेंस थ्योरी, एक को बोलते हैं इररेलिवेंस थ्योरी, और एक है आपका डिविडेंड कैलकुलेटिव या कैलकुलेशन थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। डिविडेंड कैलकुलेशन थ्योरी में लिंटर मॉडल आते हैं,
और लिंटर मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, जहां आपने डी वन निकालना सीखते हैं, बट अगर फिर भी मेरे को सिखाना हो तो डिविडेंड इज डी जीरो प्लस वो जो आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने का तरीका होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईपीएस इनटू टारगेटेड पे आउट रेशियो माइनस डी जीरो। ये जैसे ही आप करोगे इनटू जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है, ऐसा फॉर्मूला जैसे अभी आपने देखा था केई निकालते वक्त वो फॉर्मूला लिंटर जी ने यूज किया था डी वन निकालने के लिए, जो कि सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूं। रेलिवेंस थ्योरी का अगर बात करें तो यहां पे आपके तीन थ्योरी थे, और इररेलिवेंस का बात करूं तो एक थ्योरी है। एक थ्योरी का नाम है एमएम मोदी गिलानी एन मिलर, और यहां पे तीन थ्योरी का नाम है वॉल्टर गॉर्डन, जैसे हमने ऊपर नाम सुना था मायरन गॉर्डन जी का, और एक ग्राहम एंड डॉट। ये तीन रेलिवेंट थ्योरी है और एक इररेलिवेंट थ्योरी है। क्या रेलिवेंसी है सुनना, वॉल्टर जी बोले कि वॉल्टर जी और गॉर्डन जी वैसे दोनों बोले कि डिविडेंड कितना देना चाहिए और क्या देना चाहिए डिपेंड करता है कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर और जो भी कंपनी का कॉस्ट है उसके ऊपर, यानी केई के ऊपर। विच इज अगर कंपनी ज्यादा कमाने का सोच रहा है अपने केई से, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से अगर ज्यादा रिटर्न आने वाला है, तो इट इज एक्सपेक्टेड, शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग कि कंपनी में पैसे फ्लो बैक हुए और उसके थ्रू पैसा ज्यादा कमाया जाए, और इस वजह से वो चाहते हैं कि डिविडेंड 0% दिया जाए, सारा का सारा पैसा रिटेन अर्निंग में चले जाए। बट ऑन दी अदर एंड अगर आर इज लेस देन के तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनके पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि वो उतना रिटर्न नहीं कमा पा रहे हैं जो कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे केई के तौर पे। और अगर आर इज इक्वल टू केई तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंट, यानी एनी परसेंटेज दे दो फर्क नहीं पड़ता। वेयर एज ग्राहम एंड डॉट बोले कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया, मोर द बेटर, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेज का यूज लिया इसको समझाने के लिए कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू बिहाइंड द बुश। वो बोल रहे हैं अगर आपके बगीचे में दो चिड़िया उड़ रहे हैं तो उससे खुश मत होइए, क्योंकि वो चिड़िया उड़ भी सकते हैं कभी भी, वो गायब भी हो सकते हैं। यानी वही है, नोशनल प्रॉफिट पे विश्वास मत रखिए, एक्चुअल प्रॉफिट पे विश्वास रखिए कि कंपनी प्लॉबैक करके ज्यादा कमा लेगा, कल को नहीं कमाया तो दे बिलीव्ड ऑन अ कंजर्वेटिज्म अप्रोच कि जितना मिले उतना ही बढ़िया, तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिविडेंड जितना दे दो उतना बढ़िया, शेयर होल्डर्स वो चाहते हैं। तो ये एक अप्रोच था, और एक अप्रोच हमने किया जहां पे वो डिपेंड करता है कितना कमाई किए उसके ऊपर, तो इस तरीके से हमने जज करना। बट वॉल्टर जी द्वारा ऑप्टिमम मार्केट, ये जो अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो है उस पे मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला निकला, मार्केट प्राइस डिपेंड्स अपॉन डिविडेंड, जैसे मैंने बोला रेलिवेंस अप्रोच, तो मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाई के ई इंटू आर, वही बात हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आर डिवाइडेड बाई के। और गॉर्डन जी द्वारा जितने फॉर्मूला हमने ऊपर देखे वो सब यहां रेलिवेंट है, जैसे कि कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल अगर बोले तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई के। याद करो के ई का फॉर्मूला था डिविडेंड बाई एमपीएस, तो एमपीएस का फॉर्मूला हो गया डिविडेंड बाई के। और अगर ग्रोथ है तो इट इज डी वन बाई के माइनस जी, एमपीएस इज डी वन बाई के माइनस जी। अगर आप वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला फॉर्मूला है वो भी देखोगे तो उससे भी हो जाएगा ये वाला बात। तो ये हो गया एमपीएस का दोनों फॉर्मूला एज पर वॉल्टर एंड गॉर्डन। अब यहां पे डी मतलब डिविडेंड होता है, और डिविडेंड आपको सम्स में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया है तो डिविडेंड अमाउंट निकालना आता है आपको अर्निंग्स इनटू पे आउट रेशियो। आर इज रिटेन अर्निंग विच इज ईपीएस माइनस डिविडेंड, और उसके बाद के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इफ नॉट गिवन इन सम्स इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई पीई रेशियो। अगर सम्स में नहीं दिया हुआ है और पीई रेशियो दिया हुआ है तो के डायरेक्टली ऐसे निकल सकता है। और आर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी अगर सवाल में नहीं दिया है इट इज योर
अर्निंग्स, जो भी तरीके का अर्निंग्स है, डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, कि कितना पैसा लगा के कितना कमा रहे। ये हो गया चारों चीज, और इसी पे बेस्ड है आपका दोनों मॉडल। सर व्हाट अबाउट ग्राहम एंड डॉट, उनका फॉर्मूला क्या था? ग्राहम एंड डॉट का फॉर्मूला था, एज पर ग्राहम एंड डॉट मार्केट प्राइस ज्यादा तब होगा यदि वो डिविडेंड ज्यादा दे, और इस वजह से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जहां उन्होंने ज्यादा जोर अपना डिविडेंड की ओर दिया और बोला मार्केट प्राइस एक मल्टीप्लायर है, जैसे पीई रेशियो होता है वैसे एक मल्टीप्लायर है एम, जो कि हम दे देंगे आपको सवाल में, इनटू डी प्लस अर्निंग बाई थ्री, यानी डिविडेंड पे ज्यादा वेट देंगे और अर्निंग्स पे कम वेट देंगे, इसलिए अर्निंग को 1/3 किया उन्होंने और डिविडेंड ऐड करके इनटू मल्टीप्लायर, सब देगा सवाल में, आपको सिर्फ यूज करना है। ये भी आने का चांस कम है, 99% चांस है वॉल्टर या गॉर्डन आएगा, जिसका फॉर्मूला ये है मार्केट प्राइस निकालने का, और कंडीशंस ये हैं, मतलब अगर पूछता है कि बताओ सही कर रहा है कि नहीं कंपनी, तो ये एडवाइस का बात हो गया, और उस केस में बताओ एमपीएस कितना, तो वो निकालने का बात हो गया। डन है एवरीबडी, आइए सवाल करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मॉक टेस्ट पेपर जो सवाल आया, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, 5 नंबर के लिए 8 का B मॉक टेस्ट पेपर, वैसे ये भी सवाल बुक में है मेरे, बट आया तो आइए देखते हैं क्या आया। यहां बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अवंती कॉरपोरेशन, ईपीएस दे दिया, अर्निंग्स दे दिए, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया आर, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर यानी के ई दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड What should be the approximate dividend payout ratio? Oh my God, dividend payout ratio ही नहीं दिया कि कितना dividend payout ratio देंगे, so as to keep share price at 44. अच्छा, तो market price बता दिया कितना होगा, 44 Walter model के हिसाब से। अगर market price 44 रखना है तो dividend कितना देना होगा, तो हम dividend payout निकालने के लिए percentage को let ना करके इस sums को करते हैं, देखो कैसे, let डिविडेंड बी रुपीज एक्स, डिविडेंड रेट को ना पकड़ के पहले एक्स डिविडेंड ले लेते हैं, जब डिविडेंड को एक्स ले लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जब इस सम्स को सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू आ जाएगा, डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाई ईपीएस परसेंटेज में आ जाएगा। तो पहले लेट डिविडेंड बी एक्स, और उस हिसाब से बताइए अगर मार्केट प्राइस 44 है वॉल्टर के हिसाब से, तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग विच इज ईपीएस माइनस, ईपीएस माइनस डिविडेंड यानी 6 माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई केई, केई इज 16% इंटू आर 20% होल डिवाइडेड बाई अगेन 16%। यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं फटाफट, चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं फटाफट, पहले तो ये इसको काट देगा 1.25 और इधर 16 भेज दो आप, तो हो गया 7.04 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 × 1.25 यानी 7.5 माइनस 1.25 एक्स। जैसे ये काम करोगे आप 0.25 इधर भेज दो और ये हो गया 7.5 माइनस 7.04 0.46, तो एक्स का वैल्यू हो गया 0.46 डिवाइडेड बाय 0.25 1.84 डिविडेंड आ गया 1.84। अगर डिविडेंड 1.84 है जिसमें अर्निंग 6 रुपया है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 1.84/6 × 100 यानी 30.67% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, चेक करो 30.67% इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, चेक करो, चेक करो। बुझ लो, समझ में आया सबको, डिविडेंड आ गया, अर्निंग आ गया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 30.67। एमटीपी क्वेश्चन नंबर 8 का भी,
ये सॉल्यूशन 30.66 या 67, 31%, हमने भी वही किया। डन डन, बहुत अच्छा सवाल, एक्स लेके करने वाला, ये है पूरा सॉल्यूशन। अब देखते हैं पेपर में क्या हुआ है। पेपर में अगर डिविडेंड पॉलिसी का टॉपिक देखें तो हमें मिलता है ये बड़ा सवाल, बी, अच्छा सवाल, 6 मार्क्स के लिए बी। ये कौन सा पेपर है सर? 9 का बी जो एग्जाम में आया था, 9 का बी एग्जाम में आया था जनवरी 23 डिविडेंड के ऊपर। आइए पढ़िए। बीटी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी कैपिटल दे दिया 16, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया 50 लाख 12%, डिबेंचर दे दिया 50 लाख 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या यही वो आर दे दिया, इसके बाद डिविडेंड पेड दे दिया 12 लाख और थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस दे दिया एक शेयर का 300, मतलब गॉर्डन के हिसाब से मार्केट प्राइस 300, टैक्स रेट बोल दिया 20%, कंपनी का टैक्स रेट दे दिया। डिटरमाइन दी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी अंडर वॉल्टर मॉडल, यू आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट डिविडेंड पॉलिसी, इफ नॉट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम। तो इतना कहानी किया है, अंत में जाके सम्स में मांगा है तुमसे, क्या सम्स में मांगा है बताओ, डिविडेंड वॉल्टर के हिसाब से मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, डिविडेंड मार्केट के हिसाब से जो आना चाहिए उसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएस तक जाना होगा, क्योंकि आपको ईपीएस से डिविडेंड हटा के रिटेन अर्निंग निकालना है, और ईपीएस तक जाने के लिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, कारण हमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। तो आइए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो हमें गॉर्डन के ऊपर बात दे के कोई फायदा नहीं हुआ, हम फटाफट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। आइए इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में आप चालू करोगे ईबीआईटी से, जो कि कितना दिया हुआ है चेक करो। सर ईबीआईटी कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है, चेक करो, ईबीआईटी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है सर? ये रहा। क्या आपको रिटर्न बता दिया कितना चाहिए? क्या आपके पास टोटल कैपिटल का फंड पता है आपको? ये रहा। तो 200 लाख में अगर 18.75 का अर्निंग चाहिए, 200 लाख में 18.75% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका ईबीआईटी आ गया 37.5 लाख। इससे अब हम पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, विच इज 10% ऑफ 50 लाख्स, यानी 5 लाख्स, तो ये आ जाएगा 32.5 लाख्स ईबीटी। नेक्स्ट हम टैक्स माइनस करेंगे, विच इज योर 20%, तो आपका ईट आ जाएगा 6.5, हटा देंगे तो ईट आ जाएगा 26। इससे अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, कितना दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड सर? 12%, 50 लाख का, 50 लाख का 12%, तो 6 लाख, तो आफेश आ गया 20 लाख। अब अगर मेरे को डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर्स करना पड़े, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है सवाल में 100,50,000 ईच, यानी नंबर ऑफ शेयर्स आर 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ईपीएस हो गया 10 रुपया पर शेयर, ईपीएस हो गया 10 रुपया पर शेयर, चेक करो, वेरी गुड खुशी। अगर आप ईबीआईटी निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ईपीएस आ गया 10 रुपये। और डीपीएस कितना था? डीपीएस एंड डीपीएस इज इक्वल्स टू कितना सर? डीपीएस था सवाल में 12 लाख टोटल डिविडेंड, तो 12 लाख बट 2 लाख शेयर्स, तो 6 रुपया डिविडेंड है, तो वॉट इज रिटेन अर्निंग्स का पार्ट? 4 रुपये। अब अगर हम वॉल्टर मॉडल लगाए
तो एज पर वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस इज, फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस इज डी वन, डी वन आपके पास है, ये रहा डी वन, कितना दे दिया डी वन बताओ तो आपको, डिविडेंड, डिविडेंड इज योर 12 रुपए, सॉरी 6 रुपए, प्लस आर बाई के ई इन टू रिटेन अर्निंग, ओ आर पहले बताओ के ई कितना है सवाल में, अब के ई कितना है, के ई निकालना आपको आता है बच्चा लोग, आंसर आता है ना के ई निकालना, बताओ के ई का फॉर्मूला क्या होता है। सर के ई का फॉर्मूला अगेन उसी लॉजिक से आएगा जैसे हम निकालते आए हैं, बताओ के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी चैप्टर किए इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी। सर जी कैसे आया इस सवाल में, जी इसलिए आया, जी इसीलिए आया क्योंकि आपके पास गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला था, कैसे पता सर, ये रहा के ई निकालने के लिए आपको सवाल में दे दिया थ्योरेटिकल प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल, और अगर गॉर्डन मॉडल का वैल्यू दे दिया तो हम गॉर्डन मॉडल को यूज करके के ई निकाल लेंगे। अच्छा गॉर्डन मॉडल का ग्रोथ कैसे आपने सोचा सर, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स है और आर पता है तो आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। आइए निकालते हैं, सबसे पहले बताओ डी वन कितना, आने वाले साल का डिविडेंड कितना, सर डिविडेंड इज 6 रुपया, 6 रुपया डिवाइडेड बाई पी जीरो 300 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज नथिंग बट बी इन टू आर, आर कितना हो गया रिटेन, रिटेंशन रेशियो इज 0.4 एंड आर इज 18.75%, तो बताओ ये कितना होता है, 18.75 इज आर और बी इज 40% रिटेंशन रेशियो, 7.5 और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 300 यानी 2% और 7.5 9.5, यही आ गया 9.5, चेक करिए एक बार 9.5 आ रहा है क्या, 2% यहाँ आया और 0.4 इंटू 18.75 हाँ 9.5% के ही आया, चेक करो डी वन 6 रुपया, प्राइस थ्योरेटिकली गॉर्डन के हिसाब से पी जीरो, सॉरी वॉल्टर के, ग्रोथ रेट इज रिटेंशन रेशियो इंटू आर, आर पता था रिटेंशन रेशियो 40% कहां से आया सर, 10 रुपया में अगर 6 रुपया डिविडेंड 4 रुपया रिटेन अर्निंग्स, तो 60% अपना पे आउट है और 40% रिटेन अर्निंग्स है, तो 9.5%, तो 9.5% से डिवाइड होगा इनटू 18.75 था हाँ डिवाइडेड बाय 9.5%, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अच्छा सवाल, मतलब अगेन दिस वाज आल्सो अ गुड प्रॉब्लम आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट इन बाय मतलब टू टेस्ट योर नॉलेज, बट अब सॉल्यूशन क्या हो आई डोंट नो, बट मार्केट प्राइस आया 146.26, मार्केट प्राइस आया 146.26। आपको एडवाइस करना था, पहले ये निकालना था थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस और फिर बताना था क्या आप सेटिस्फाइड हो डिविडेंड पॉलिसी से विच इज पेइंग 60% ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के ई, रीजन लिख के आएंगे, हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए था, 0, 0, हमें पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग्स कर लेना चाहिए था, तो बस वही बोल रहा है व्हाट शुड बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0%, ये था आंसर। लेट्स चेक एक तो राइट करवा दे, नहीं ये भी राइट नहीं है, मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर 80.89 है, ये भी राइट नहीं है, अब क्या बोले बताओ आप, के ही यूज कर लिए, सब कुछ कर लिए सवाल में, फिर भी राइट नहीं है।
भगवान जाने कैसे लाता है लोग, बट अपना आंसर 146.26 है। क्या डन है यहां तक बात आपको? बोलिए एवरीबॉडी। और आंसर जो थ्योरेटिकल पार्ट था पीछे का वो भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ ये लोग दिया ही नहीं है, ये लोग सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया 80.89 आएगा। कैसे आएगा इनको भी नहीं मालूम और मेरे को नहीं लगता है सही है। क्या अपने को अपना तरीका क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट बना के इतना लॉजिकल आंसर निकाला आपने और यही आंसर होना चाहिए एज पर वॉल्टर मॉडल। डन एवरीबडी। केई निकाला हमने डिविडेंड का वैल्यू और प्राइस वैल्यू और ग्रोथ यूज करके गॉर्डन से, क्योंकि गॉर्डन का वैल्यू दिया हुआ था, और अर्निंग निकाला हमने इनकम स्टेटमेंट बना के। बहुत अच्छा सवाल, मतलब मैं तो मान रहा था बहुत अच्छा सवाल, बट आंसर देख के पूरा माथा ही घूमिए। क्या डिविडेंड पॉलिसी के क्वेश्चन क्लियर हो गए? बहुत अच्छा था ये वाला, हिसाब से स्टार मार्क्स सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल कोई सीए वाले बच्चे भी कब पाएंगे करने के लिए, कारण उनको भी नहीं पता। क्या कर सकते हैं, देखो वी विल नॉट डिबेट अगेन एंड अगेन ऑन दिस टॉपिक। तुम ही मेरे को अभी सजेस्टेड आंसर भेजी, वरना मैं तो जानता भी नहीं कि ये लोग क्या किए हैं और किस बात का नंबर काटे हैं बच्चों का, क्योंकि जी हिसाब का काम कर रहे हैं ये बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। और मैक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन मैच हो रहे हैं, एग्जाम के सॉल्यूशन चेक मैच नहीं हो रहे हैं, तो मतलब तो आप कुछ भी किए हो। देखो यहाँ आर और के ही बताया भी नहीं है, लोग का हिम्मत ही नहीं है बताने का, बट वो जो लिखा है ये वाला पार्ट रिकमेंडेशन राइट है अपना, कोई सॉल्यूशन नहीं सीधा ये। डन छोड़ो क्या बोले। तो यहां होता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी भी कंप्लीट और आज का सेशन भी। तो क्या इन दो घंटों में आपको पता भी चला दो घंटा कैसे बीता, और हमने तीन चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिया, और ये अच्छा अच्छा सवाल था जो पास्ट ईयर पेपर में आया, ये अच्छा अच्छा सवाल था, बट सॉल्यूशन जैसा था कुछ कर नहीं सकते, समथिंग यूनिक पेपर था, और ये लोग कुछ भी सॉल्यूशन बनाया है जिसका सॉल्यूशन दिया भी नहीं, सीधा आंसर लिख दिया। बट क्या आपको मेरे तरफ से सजेस्टेड आंसर मिल गया अब? तो सर क्या होगा एग्जाम में हमारा, गॉड नोस कि ये लोग क्या करेगा, बट आई थिंक जो राइट है वो राइट है। मैं गलत कैसे पढ़ाऊं मुझे भी नहीं आता, और मैं गलत करा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन तो होना चाहिए कि वो आया कैसे। मैं ऐसे उस तुक्का क्या बनाऊं, मेरे खुद का दिमाग में नहीं आएगा कि मैं उसको 89 कैसे लूं। क्या डन है एवरीबडी? इंजॉयड द सेशन? एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड और लेवरेज रिवाइज्ड। बोलो डन है? ओके। कुछ क्वेश्चन जो मैट से कर सकते हो बच्चे मांग रहे हैं कि भैया अपने बुक से अगर कुछ क्वेश्चन करना हो तो वो कोई सवाल है क्या? देखो अभी लास्ट मोमेंट पे मैंने जो क्लास में इंपॉर्टेंट सम्स कराए हैं उसके लिस्ट मैंने ग्रुप में डाले हैं, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं वापस से डाल देता हूं दिया। आप मेरे को ग्रुप में टेक्स्ट करो, और इनमें से कोई भी बच्चा अगर एक बार मुझे भेज देगा तो बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से रितिका के पास था इंपॉर्टेंट सवाल का लिस्ट, अगर वो भेज देगी तो मैं आपको सेंड बैक कर दूंगा, आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो और एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय, मिलते हैं जल्दी कल नेक्स्ट सेशन में।